हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपको स्वागत करती हूँ कोविगन चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जिसको कि हम स्पेल कर सकते हैं MEMORY, जिसको कि हम बोलते हैं मेमोरी, जो कि आपका यूनिट 2 है कोर्स 3 का, जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है। ठीक है, और ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर में आता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मेमोरी हम लोग बोलते किसको है, होता क्या है। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग हिंदी में स्मृति भी बोलते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं इसका अर्थ, कि इसका अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीनिंग। ठीक है, तो बोलते हैं वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, तो सबको पता है कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। ठीक है ना, हर दिन रोजमर्रा की लाइफ में भी हम लोग सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों से मिलते हैं और उनसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं। सम ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस आर रियली स्वीट एंड सम ऑफ देम आर सॉफ्ट। ठीक है, तो कुछ जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे वो बहुत ही गंदे होते हैं, जिनको कि हम दोबारा याद करना नहीं चाहते, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी स्मृति शक्ति, मतलब जो हमारी मेमोरी है ना, उसमें जाके बैठ जाती है, जिसको कि आप चाहके भी उस वहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतनी ज़्यादा जॉयफुल होती है, उसको भी वहां से नहीं आप हटाना चाहते हो। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको कि आप कभी नहीं चाहोगे, जो कि सबसे गंदी वाली मेमोरी होगी, कि आप उसको अपने दिमाग में कहीं रखो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से मेमोरी काम करते हैं। दिस एक्सपीरियंसेस गो फ्रॉम आवर कॉन्शियस लेवल टू द सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। बोलते हैं कि ये जो एक्सपीरियंसेस है वो कहाँ जाता है, हमारे कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस पार्ट पे। ठीक है ना, मेमोरी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू ब्रिंग बैक और टू रिकॉल टू माइंड एट द कॉन्शियस लेवल और स्वीट और सॉर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान की एक अपनी स्मृति शक्ति होती है, वो कुछ चीज़ों को याद करके रखता है तो कुछ चीज़ों को भूल जाने ही बेहतर समझता है। हर किसी के लाइफ में क्या होता है कि एक अच्छी मेमोरी होती है, एक बुरी मेमोरी होती है। ठीक है ना, तो वैसे ही हर किसी का लाइफ चलता है, हर किसी के पास अपनी स्मृति शक्ति होती है। देयर आर थ्री मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेमोरी। कितने प्रोसेस होते हैं, तो थ्री मेजर प्रोसेस होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक है ना, ह्यूमन मेमोरी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू बोथ प्रिजर्व एंड रिकवर इन्फॉर्मेशन वी हैव लर्न और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो ह्यूमन का मेमोरी होता है ना, उसमें क्या एबिलिटी होती है, प्रिजर्व करने का और रिकवर करने का। ठीक है, आपने कभी देखना कि आप जो पढ़ाई करते हो उसको आप क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो, और कभी कभी चीज़ों को आप रिकवर भी करते हो। अगर चीज़ें आप भूल गए हो तो आप अगर बैठ के शांति से उस चीज़ों को सोचोगे तो वो चीज़ें क्या होती है, वापस से आपको याद आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिकवर करते हैं। तो एक ह्यूमन मेमोरी इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। ठीक है, तो मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग वॉट हैज प्रीवियसली बिन लर्न। ठीक है, तो वुडवर्थ का बोलना था कि मेमोरी जो होता है वो कंसिस्ट करता है जो भी आपने पहले लर्न कर लिया है। ठीक है ना, जो भी पहले आपने याद किया है उन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, उन सारी चीज़ों को वो आपको याद रखने में हेल्प करता है, रिमेम्बर करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू स्टॉट इन्होंने क्या बोला, मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मेमोरी जो है एक आइडियल रिवाइवल है, जिसको कि आप बोल सकते हो कि एक आदर्श पुनरावृत्ति है, जिसको कि आप बार 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 याद करते हो। तो अकॉर्डिंग टू हर एक राइटर के हिसाब से यही बोला गया है, हर एक मनोवैज्ञानिक के हिसाब से यही बोला गया है कि जिन भी चीज़ों को आप याद करते हो और याद करके रखते हो, उन्हीं सारी चीज़ों को हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ने बोला, मेमोरी इज द नॉलेज ऑफ एन इवेंट और फैक्ट ऑफ विच मीन टाइम वी हैव नॉट बिन थिंकिंग विद द एडिशनल कॉन्सियसनेस दैट वी हैव थॉट और एक्सपीरियंस इट बिफोर। ठीक है, तो जेम्स का बोलना था कि मेमोरी इज द नॉलेज ऑफ एन इवेंट, जो भी आपने सीखा है किसी इवेंट में या फिर जो फैक्ट है। ठीक है, तो जो छोटे समय में भी जो भी आपने सीखा है उन सारी चीज़ों को याद करना, जो कि आपके कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में रह जाती है। ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं, हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल इन्होंने बोला, मेमोरी इम्प्लाइज इमेजिंग ऑफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज बिलोंगिंग टू वंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनका बोलना था कि जो भी आपने सीखा है किसी भी चीज से, ठीक है, जो भी आपने अतीत की घटनाओं से सीखा है, जो भी उसकी कल्पना से सीखा है, उसको आप उसकी आप कल्पना करते हो कि हाँ मैंने अतीत से इन सारी चीजों को सीखा है। ठीक है, और उस चीज को आप पहचानते हो और उन सारी चीजों को अपने आने वाले समय में उसको इम्प्लाई करने की कोशिश करते हो, तो उन सारी चीजों को आप याद करते हो कि अच्छा अतीत में मेरे साथ ये सारी चीजें हो चुकी है,
तो वो भी कहीं ना कहीं याद आती है जब आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने कुछ पोर्शन को आज याद किया है और कुछ पोर्शन को कल याद करने वाले हो। तो अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो आपको याद आएगा कि अच्छा, प्रीवियसली मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से मेमोरी काम करती है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट मेमोरी इज अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू स्टोर व्हाट हैज बीन प्रीवियसली लर्न टू रिकलेक्ट और रिप्रोड्यूस इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो हमने जैसे कि डेफिनेशन में देखा कि मेमोरी क्या है, जिसको कि आप रिकलेक्ट कर सकते हो और रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जिसको कि आप समय रहने से आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो, तो वो होता है आपका मेमोरी। तो इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला होता है आपका लर्निंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये एक स्टेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक स्टेप्स होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लर्निंग एंड रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप चीज़ों को याद करते हो, उसके बाद उसके विषय में आप एक अवधारणा बनाते हो जिसको कि आप रिटेंशन बोलते हो, फिर उन सारी चीज़ों को रिकॉल करोगे, ठीक है, याद करोगे, ठीक है, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइजेशन करने की कोशिश करोगे। तो ये होता है एक स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है पहला लर्निंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो बोलता है आवर माइंड हैज अ स्पेशल एबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच Every experience or learning lives behind traces which are conserved in the form of engrams. ठीक है, तो वो किसके फॉर्म में होता है, engrams के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग का मतलब वो होता है कि एक लर्नर की एक विशेषता होती है कि वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, याद कर लेता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को देखता है या फिर एक बार पढ़ता है तो उसको क्या होती है, याद हो जाती है। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे लर्निंग एंड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप जब देखते हो तो आप उसको याद कर पाते हो। फिर रिटेंशन, दिस एनग्राम्स और मेमोरी ट्रेसेस आर प्रिजर्व्ड इन आवर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। और जो भी चीज़ों को हम देखते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, प्रिजर्व्ड हो जाती है। ठीक है, किसकी हेल्प से, नर्वस सिस्टम की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिटेंशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। जो भी चीज़ें आपने देखी, जो भी चीज़ें आपने याद करी, ठीक है, आपने उसके बारे में एक अवधारणा बनाई है आपके दिमाग में, जो आपके दिमाग से नहीं जाएगी। द डेविएशन ऑफ रिटेंशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो डेविएशन ऑफ रिटेंशन है ना, वो डिपेंड करते हैं किस पे, आपके स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ मेमोरी ट्रेसेस पे। किस तरीके से आपकी मेमोरी उधर पे परछाई छोड़ रही है, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप याद कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है रिटेंशन। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट, रिकॉल पे। व्हेन द इंडिविजुअल परसीव द सेम ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स ही वॉन्ट्स टू रिकॉल हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे हिज होगा, previous experiences, it is the process of recall which brings back the memory traces at the conscious level. This recall is made whenever the occasion arises. ठीक है, तो अब बोलते हैं रिकॉल का मतलब, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती है, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, तो जिस भी चीज़ों को आपने देखा है, जिस भी चीज़ों को आपने सीखा है, जिस भी चीज़ों को आपने याद किया है, तो वो क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में जब उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपको रिकॉल होता है, वो आपको याद आता है कि अच्छा, ऐसे सिचुएशन में मेरे को ये करना था। अगर हम इसको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर देखा जाए, तो आपने कोई फॉर्मूला को याद किया, आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, ठीक है, तो आपने उसको रिटेंशन किया, अपने दिमाग में उसको आप कंटिन्यू चला रहे हो, ठीक है ना, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया। और जब आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जब आप उस क्वेश्चन को देखते हो या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हो, उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन को देखते हो, तो आपको रिकॉल होता है, आपको याद आती है वो सारी चीज़ें कि अच्छा, मैंने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ये सारे स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉल। एंड लास्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे बोलता है इट मींस दैट द रिकॉर्ड एक्सपीरियंस एट द कॉन्शियस लेवल इज द सेम फ्रॉम
विच द इंडिविजुअल वॉन्टेड टू रिकॉल एंड हैड एक्सपीरियंस्ड अर्लियर। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है कि चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, याद करते हो, ठीक है, जो भी आपके कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, आप क्या करोगे उसको उसको आप रिकॉल करोगे। तो आपने जब प्रॉब्लम देखा तो आप उसका क्या करोगे, आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है वो चीज़ें आपने आंसर शीट में लिख दिया है। ये है आपका रिकॉग्नाइजेशन कि क्या आपने रिकॉग्नाइज करा और लिखा है। तो ये होता है आपका चार फैक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छी स्मृति के लिए। ठीक है, एक अच्छी याददाश्त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट में जरूर होनी चाहिए। आई होप कि आपने फैक्टर समझा होगा। नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेमोरी के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कब हम लोग किस तरीके के मेमोरी को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं इमीडिएट एंड परमानेंट मेमोरी। क्या होता है इमीडिएट एंड परमानेंट मेमोरी? ठीक है, इमीडिएट हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, कुछ इमीडिएट होता है और कुछ हमेशा के लिए होता है। फिर सेकेंड होता है पर्सनल एंड इम्पर्सनेबल मेमोरी। ठीक है, थर्ड वन इज एक्टिव एंड पैसिव मेमोरी, देन हैबिट एंड ट्रू मेमोरी, विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी, एंड रोट एंड लॉजिकल मेमोरी। तो इन सारे मेमोरीज को हम एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इमीडिएट मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इमीडिएट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरीज होते क्या है? तो बोलते हैं नियर द एग्जामिनेशन वी मेमोराइज अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, we are able to recall them in the examination hall. This memory implies the immediate recall of the learned material and in the shortest period of after learning we also forget immediately after recall. ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम पे। बहुत टाइम से बच्चे पढ़ते तो है नहीं, दूसरे दिन एग्जाम है, रात भर खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब पढ़ा, उसके बाद सुबह जाके पेपर में लिख दिया। तो इसको बोलते हैं हम इमीडिएट मेमोरी। क्या बोलते हैं? इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, जो कि आपने पटाख से एकदम किसी भी चीज़ को याद कर लिया। ठीक है, और उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने दिमाग में रखा, वो सारी चीज़ें काम सलट गई, काम खत्म हो गया, उसके बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो ये होता है आपका इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, फिर बोलता है परमानेंट मेमोरी। अंडर दिस टाइप ऑफ मेमोरी वी कम टू रिमेंबर थिंग्स परमानेंटली। क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ों को आपने याद करी है, जैसे कि हमारा क, ख, ग, घ और ABCD का ज्ञान अभी तक है ना, या फिर हम लोग जो टेबल्स याद करते हैं उसका ज्ञान भी अभी तक है ना। दिस इंडिविजुअल द इंडिविजुअल डेवलप्स एसोसिएशन ऑफ आइडियाज अंडरस्टैंडिंग एंड द कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट मेमोरी का मतलब ये बोलता है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जो भी चीज़ें आपको याद है, वो आपके साथ जीवन भर रहेगी। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से उसको रिकॉल करोगे ही करोगे, किसी ना किसी सिचुएशन में। तो ये होता है आपका इमीडिएट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल एंड इम्पर्सनल मेमोरी। पर्सनल एंड इम्पर्सनल मेमोरी, तो अब बोलता है पर्सनल मेमोरी, बोलता है सर्टन मेंटल इमेज आर गैदर्ड पर्सनली By the individual, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि पर्सनल होती है, पर्सनल चीज़ों से हम सीखते हैं। He has his own mental experience about them. This approaches of the individual is limited in nature. ठीक है, कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें पर्सनली होती है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी पर्सनल मेमोरी होती है, जिसको कि हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और कुछ ऐसी होती है कि इम्पर्सनल होती है, जो कि मेंटल इमेजेस गैदर्ड फ्रॉम बुक्स, जिसको कि आप बुक्स वगैरह से लेते हो, वो आपका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर्सनल चीज़ों से आप नहीं सीखते हो। वो सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो? बुक्स से सीखते हो, या फिर किसी दूसरे पर्सन से सीखते हो, या तो फिर न्यूज़पेपर से सीखते हो। ठीक है ना, आ द पार्ट ऑफ द मेमोरी, ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ द मेमोरी है। द इंडिविजुअल इज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन गैदरिंग देम। ठीक है, यही होता है आपका पर्सनल मेमोरी और इम्पर्सनल मेमोरी, जहाँ पे आप चीज़ों को पर्टिकुलर चीज़ों से सीखते हो। और पर्सनल मेमोरी का मतलब होता है कि वो आपका खुद का पर्सनल चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जो आपने सीखा है ना, वो होता है आपका पर्सनल मेमोरी। तो यहाँ पे बोलता है एक्टिव मेमोरी, बोलता है इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी वी मेक अ डेलिबरेट एफर्ट टू रिमेंबर रिकॉल एंड रिटेन सर्टेन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंसान जो एक होता है ना, वो खुद क्या करता है, जानबूझ के एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है। ठीक है, जानबूझ कर उन तथ्यों को करता है, एक अवधारणा बनाता है। ठीक है, और उस अवधारणा में जो भी चीज़ें उसकी वहाँ पे फिट होती है, उसको याद करता है, उसको वो रिकॉल करता है, और वहाँ पे उस उन सारी चीज़ों को अप्लाई करता है। ठीक है ना, एंड पैसिव मेमोरी होता है, पैसिव मेमोरी जो रहता है, इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी द पास्ट एक्सपीरियंसेस आर रिकॉल्ड स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी सीरियस अटेम्प्ट, दे कम टू द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड विदाउट एनी एफर्ट।
सपोज दैट कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में गए, ठीक है, तो वहां पे आपको किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है ना। वहां पे आपको पता है कि हाँ इन सारी सिचुएशन में मेरे को इस तरीके से बाहर निकलना है। तो ये वैसी पैसिव मेमोरी वो होती है जहाँ पे आपको कोई मेहनत नहीं करना होता, आपके मस्तिष्क के कुछ हिस्से में क्या होती है, आपकी पिछली चीजें वहाँ पे बैठी हुई रहती है, ठीक है, जिसको कि आप रिकॉल करके आप उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हो। तो वो होता है आपका पैसिव मेमोरी। और एक्टिव मेमोरी में क्या होता है कि आप चीजों को क्रिएट करते हो और उसके बाद उन सारी चीजों से निकलने की कोशिश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैबिट एंड ट्रू मेमोरी। तो हैबिट एंड ट्रू मेमोरी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन द मेंटल मेकअप। दिस फैक्ट आर कलेक्टेड इन अ मैकेनिकल मैनर। वी रिमेंबर फैक्ट विद एसोसिएशन ऑफ आइडिया, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो हैबिट मेमोरी का मतलब बोल रहा है कि किसी भी चीज को रटने की आदत, ठीक है, एक आदत हो जाती है बार बार दोहराने की चीजों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिट मेमोरी, जिसको कि आप हैबिट में लेके आते हो, ठीक है। तो ये मेमोरी ऐसी होती है ना जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहती है चीजें। अगर आप एक चीजों को हैबिट बना लोगे कि हाँ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, पर्टिकुलर इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि अच्छा चलो ठीक है आज मुझे ये पढ़ना है, तो आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो वो सब्जेक्ट आपको याद रहेगा, फिर नेक्स्ट दिन आपने दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ा, तो ये अगर रिपीटेशन में चलता है, ये अगर आपका हैबिट होता है तो आपके दिमाग में चीजें याद रहती है। तो हैबिट मेमोरी का मतलब वही होता है। एंड ट्रू मेमोरी इट इन्वॉल्व्स मेंटल इमेजेस और मेंटल पिक्चर्स ऑफ पास्ट इवेंट। दिस टाइप हैज द क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि जो भी आपके पास्ट के इवेंट से आपने जो सीखा है, ठीक है ना, और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, तो इस टाइप का जो मेमोरी होता है, दिस टाइप इज द क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, जिसको कि आप एसोसिएट कर सकते हो वो आइडियाज, वो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि आप किसी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका ट्रू मेमोरी। नेक्स्ट वन इज विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी। बोलते हैं विजुअल मेमोरी और विजुअल इंप्रेशन आर हाईली क्विक एंड करेक्ट। हमारे जो विजुअल इंप्रेशन होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ना, तो बोलते हैं हाईली क्विक एंड करेक्ट। इट हैज बीन करेक्टली सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग और विजुअल इम्प्रेशन लीव अ परमानेंट इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड। ये बताया गया कि जिस चीज को आप देखोगे उसी चीज पे आप बिलीव करोगे, तो जो चीज हम देखते हैं ना वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो यही होता है आपका विजुअल मेमोरी। ऑडिटरी मेमोरी, आवर ईयर्स आर ऑल्सो सेंसिटिव एंड एक्टिव, ठीक है, जो भी आप सुनते हो ऑडियो ऑडियो क्लिप्स, ठीक है, तो जो सुनते हो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाता है। वी लिसन टू लार्ज नंबर ऑफ वॉइसेस एंड कम्युनिकेशन इट टू द ब्रेन। This knowledge is stored up there and is a part of our memory. ठीक है, तो विजुअल मेमोरी एंड ऑडिटरी मेमोरी का मतलब होता है कि विजुअल जो भी चीज़ें आप जो भी चीज़ों को आप देखोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, फिर आपके दिमाग से वो जाता नहीं। इसी के चलते क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को चीज़ों को सिर्फ ऑडियो से बेहतर होता है कि हम उनको विजुअल चीज़ें भी दिखाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ऑडिटरी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप सुनते हो सुनते सुनते आपको याद हो जाती है, तो वो होता है आपका ऑडिटरी मेमोरी। रोट मेमोरी, चिल्ड्रन नियर द एग्जामिनेशन क्रैम्प अप अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। दे मग अप द मटेरियल एंड रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जामिनेशन। रोट मेमोरी हाउएवर इज अनरिलेबल एंड फैक्ट अवे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे रोट मेमोरी का मतलब बोलता है कि रट्टा मारने वाला सिस्टम। सारे स्टूडेंट्स का भी आदत है और मेरा भी आदत रह चुका है कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करोगे कि आप कंटिन्यू रट्टा मारते चले जाओगे, रट्टा मारते चले जाओगे। आपको उन सारी चीजों को जो आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपको पता है कि नहीं, वो कहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं, लेकिन आपको रट्टा मारना है। तो रोट मेमोरी वही होता है, रट्टा मारने वाली चीजें, ठीक है ना। फिर होता है लॉजिकल मेमोरी। मोस्टली आवर माइंड वर्क्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इट गिव पर्पस एंड इनसाइट टू द इंडिविजुअल। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट ही लर्न एंड व्हाई ही लर्न। एक होता है लॉजिकल मेमोरी कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसमें आप लॉजिक लगा लगा के पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि किसी चीज को वो पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, जो कि उनके दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो यही होता है आपका रोट मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको सही समय पर मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और खुश रहो।